फटाफट हम बोर्डिंग पास ले लेते हैं, फिर बताते हैं बोर्डिंग पास किस चीज़ का ले रहे हैं। ठीक है, अंदर जाके अपने को बोर्डिंग पास मिल गया गाइस। थोड़ा बहुत तो समझ ही गए होगे टर्मिनल किस चीज़ का है देख के। बाकी फटाफट बात करते हैं, गाड़ियाँ भी हैं, अगर आप देखो क्यों लगी हुई है। तो गाइस मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ और सब लोग एक्साइटेड हैं, राइट। और ये रहे हमारे बोर्डिंग पास, और गाड़ी में ही जा रहे हैं फिलहाल हम, पर बोर्डिंग पास गाड़ी में बैठ के भी लेना पड़ रहा है ना, कमाल की बात। एनीवेज हम सेंट जॉन से फेरी ले रहे हैं, और फेरी लेके हम कहाँ जा रहे हैं अरविंद? हेलीफैक्स। थोड़ा और ऊंची, हेलीफैक्स। ये तो गाइस जैसे कि आपको पता ही है, मम्मा पापा इज हियर, लाइक पापा इज हियर, मम्मा पीछे बैठी है आराम से। Hello. और जिस मारे उधर रिलैक्स करिए। तो हम सब लोग हेलीफैक्स जा रहे हैं अभी। हेलीफैक्स अगेन जो नोवा स्कोशिया में आता है, काइंड आई मीन वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन अटलांटिक कनाडा। तो वहाँ घूमने जा रहे हैं, विजिट करने जा रहे हैं और थोड़ा सा रिलैक्स करने जा रहे हैं। बट ये कमबख्त बारिश हर बार की तरह हमारा साथ नहीं छोड़ती। ये देख ही रहे हो गुनी, तो यहाँ से हम हेलीफैक्स के लिए कौन सी नोवा स्कोशिया में कहाँ पे उतरेंगे हम लोग? ओके, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं डिग्बी। ओके, डिग्बी भी एक नोवा स्कोशिया में छोटा सा शहर है। ऑलराइट, तो वहाँ पे हम उतरेंगे। ठीक है। ये फेरी हमको वहाँ लेके जाएगी। अच्छा। 2 घंटे 5 मिनट या 2 घंटे 10 मिनट की फेरी है। ठीक है, और ये आप देख ही लिया होगा कितनी हार्डली 10-15 मिनट की ड्राइव पे टर्मिनल है ये हमारे घर से। ठीक है, सेंट जॉन पे। और ये हमें फिर डिग्बी उतारेगी, और फिर डिग्बी से हमको 200 किलोमीटर या 220 किलोमीटर प्रिसाइसली हेलीफैक्स पड़ता है। ओके, और फिर हम वहाँ पे हेलीफैक्स जाएंगे। एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस लेना था हम लोगों को फेरी का भी। वापसी के टाइम हम दूसरे रूट से आ जाएंगे, बाय रोड ही आएंगे पूरा कम्प्लीटली। ओके, ठीक है ना। चलो फिलहाल फेरी के अंदर जाते हैं और थोड़ा सा फेरी के दर्शन कराते हैं, इफ इट इज अलाउड इनसाइड कैमरा, अगर मैं दिखा सकूं। और देन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको भी साथ लेके चलेंगे हर बार की तरह। बोलो खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। निकुला फिर से बोलो, खुल जा सिम सिम। ये दो सवा दो घंटे आराम से एंजॉय होंगे। सी सिकनेस ना है बस, बाकी सब बढ़िया। सी सिकनेस अभी इलाज है क्या अपने को? अच्छा इलाज है, क्या लायो? लेट जाओ वलते। अच्छा, ते तो फील होएगा जैसे ट्रेन च बैठे हो। अच्छा, सी सिकनेस नहीं होएगी। हाज मोला ले आयो? ओ हां, मतलब गड्डी च रहगी। ते गड्डी च चलो ले आवांगे, उन्हें पूछ लेना तुसी जा सकते हो। हां परमिशन लेके जा सकते हो थल्ले। ठीक है, कोई नहीं। लगता चल पड़ी चल पड़ी चल पड़ी। आई थिंक सो। या नाइस, टाइम से 4 मिनट पहले ही चल पड़ी है। मेरे सारे पैसेंजर्स आ गए होंगे। चलो कोई नहीं, अब बाहर चल के देखते हैं क्विकली। जसमायरा का खाना पीना जल्दी हो जाए। जसमायरा बी क्विक, मेक इट फास्ट, लेट्स गो आउटसाइड। चलने बाहर मेरे साथ? हाँ, 2 मिनट में चलेंगे। डेक पे, व्हाई डोंट यू हैव योर स्नैक एट द डेक? ऑन द डेक आई वुड से, आई एम सॉरी। चलो कोई नहीं, बाहर चलते हैं। ये देखो थोड़ा सा ना, अगर सनी होता ना तो और व्यू सुंदर। हाँ, अब थोड़ा मिस्टी मिस्टी लगेगा, हल्की सी शेक होगी अभी शुरू शुरू में। और एक और चीज़ है, मेरी तो हालत ही खराब।
विंडी जब होता है तो लहरें तेज चलती हैं, तो टाइड्स तेज होती हैं, तो जहाज ऐसे 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 होता है। अब पापा का भी फर्स्ट टाइम है तो लेट्स सी उनके साथ क्या होता है। बट कॉमन क्वाइट लग रहा है, कॉमन क्वाइट है अभी तक तो। हमने हमने दो तीन बार एक्सपीरियंस की हुई है फेरी। हम ग्रीस गए थे वहाँ पे भी हमने एक्सपीरियंस की, वो तो अमेजिंग थी, एक नेक्स्ट लेवल फेरी थी। एथन से चल के सांतोरिनी मिकनोस, वो तो एक नेक्स्ट लेवल था। अच्छा वहाँ पे क्लास होती थी एग्जीक्यूटिव क्लास या बिजनेस क्लास जो भी है। अच्छा यहाँ पे यू आर गुड टू सिट विद सिट एनीवेयर। और ये छोटी सी है की रिफाइनरी है, ठीक है ना, जहाँ से धुआं निकल रहा है। तो स्टार्ट यहाँ से हुआ सामने से। हाँ ये जो पोर्ट है ना, ये जो यहाँ पे, यहाँ से हम चले हैं। ओके। ये बेसिकली इसका गेट है, ये देख रहे हो, ये गेट है। ये टर्मिनल से अटैच, ये टर्मिनल से अटैच होती है, खुल जाता है और ये फिर फेरी टर्मिनल से अटैच हो जाती है। बस यहाँ पे थोड़ी देर खड़े रहो, लुफ्त उठाते रहो। यू कैन हैव योर फूड और स्नैक ओवर हियर एज वेल। तो यार आराम से सब बैठ गए हैं, सब अपने अपने कामों में लग गए हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस मीटिंग चल रही है। और अरविंद को सी सिकनेस हो गई है, जो कह रही है मुझे मत लेना। एनीवेज मैं क्विकली प्राइसेस बता दूं फेरी के। ऑफ सीज़न थोड़ा सा शुरू हो गया है, पीक सीज़न जो होता है, जो समर टाइम होता है, विंटर्स आ गई हैं तो थोड़ा सा ऑफ सीज़न शुरू हो गया है, तो पीक सीज़न ख़त्म हो गया मेरे ख्याल से अक्टूबर एंड में ख़त्म हो जाता है। डिस्काउंटेड प्राइसेस होते हैं, मतलब $10 प्राइस में कम होता है। मैंने $41 दिए हैं ईच मेरे, अरविंद के और मॉम के। और सिंस पापा सीनियर सिटीज़न हो चुके हैं तो उनके $36 दिए हैं। एंड जस्मायरा इज़ फ्री, ये मैडम जहाँ जा रही हैं अभी फ्री हैं। और गाड़ी के बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं, $117 गाड़ी के हैं। सो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है $276 का हुआ है हमारा, हम पाँचों का काइंड ऑफ इंक्लूडिंग जस्मायरा एज वेल। अगर आप समर्स में आते हो तो $10 इंडिविजुअल के जोड़ लो, शायद गाड़ी का सेम होता है। अगर आप कंपेयर करो इस फेरी को आप और प्रोविंस की फेरीज के साथ, जैसे ओंटारियो में फेरीज चलती हैं टोबर मेरी वैली और विक्टोरिया वाली, तो दिस फेरी इज लिटिल एक्सपेंसिव। खाना पीना खिला दो, क्या ये बातचीत भी करते हैं अंदर? नहीं नहीं कुछ खिलाते हैं आपको, क्या खाना है आपने? अब थोड़ा बेटर हुआ, मैं खा लूंगी, अगर फिर से हाई टाइड्स हो गई तो मैं कुछ नहीं खा पाऊंगी। सो व्हाट यू लाइक टू हैव? निकलेगा अंदर कम जाएगा। व्हाट वुड यू लाइक टू? वही एवोकाडो वाला सैंडविच। अच्छा वही खाना है? या वेजिटेरियन, बट यू हैव टू चेक इफ दे हैव दैट वन और नॉट। चलो यार फरमाइश आई है, कुछ खिला पिला दो। और कुछ मतलब कोक ले आना। और कोक मतलब चल रहा है, लिस्ट बढ़ती जा रही है। ए बड़ी Food is ready. So this is the avocado sandwich. Vegetable avocado sandwich. Potato wedges.
And this is again avocado and with ketchup. We can share. And we have reached Digby. देख सकते हो ये डिग्बी पहुंच गए हैं नोवा स्कॉशिया के अंदर बेसिकली हम लोग, अगर आप देखो. और ये क्रू वाले क्रू मेंबर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे हार्बर के ऊपर खड़े होके. और ये टर्मिनल है जो लगेगा एंड जैसे कि मैं बोल रहा था ये खुल जाएगा. डिग्बी में ही थे, कॉफ़ी की तड़प लग गई थी, फिर सोचा यार थोड़ा रिलैक्स होके कॉफ़ी पी लेते हैं आराम से. बस मफिन कॉफ़ी यही सब चल रहा है यहाँ पे. और अरविंद की फेवरेट बालू चाय. बस अब यहाँ से कुछ लगभग 210 या 220 किलोमीटर की ड्राइव है और आई थिंक 2-2.5 घंटे का रास्ता है. आराम आराम से जा रहे हैं, इन्जॉय करने आए हैं, तो कोई भगदड़ या कोई जल्दबाजी नहीं है. तो पहुंच जाएंगे अब सीधा आपको हेलीफैक्स में जाके मिलेंगे. टिम्स से निकले थे, वापस टिम्स में ही आ गए हैं. एक्चुअली डिग्बी से जब निकले थे हैलिफैक्स जाने के लिए, जैसे मैंने आपको बोला कि अराउंड अबाउट 220 किलोमीटर है, तो रास्ते में मिड पॉइंट पे आया वुल्फिल. अच्छा, हम लोगों को ध्यान नहीं था, बाद में जब हम एंटर करने लगे वुल्फिल तो ध्यान आया मम्मी की फ्रेंड का बेटा, यानी कि कह लो कि हमारे हमारा शहर का एक और लौंडा यहाँ पे रहता है. तो हमने कहा कि उन्हें अपने शहर के हम बच्चों से मिल के जाए. तो मिलवाते हैं हम अक्षय से, तो उसकी मम्मी विल बी वेरी हैप्पी. तो मैं वो यूपी का लड़का थोड़ा मैं वो नहीं बता पा रहा. नहीं, वो कहते हैं ना हम ना यूपी के ना दिल्ली के, हम एनसीआर वाले. तो अक्षय यहाँ पे स्टडी कर रहा है नोवा स्कॉशिया में और यहीं पे रहता है. हाउ इज द प्लेस वुल्फिल, कैसा है? प्लेस इज एब्सोल्युटली फाइन, ब्यूटीफुल, सुंदर. नाउ इट्स ऑटम सीजन, इट्स स्प्रिंग ऑन. अब और सुंदर हो रखा है. अच्छा, आ जाओ आप लोग भी, आ जाओ कनाडा. भाई तुम्हारी मम्मी कह रही थी कि यार लड़का फिट है कि नहीं है, खा पी रहा है कि नहीं खा रहा, सही है कि नहीं है. पुशअप्स मार के दिखाऊंगी. भाई सिंगल पीस में ही है. वीडियो में बोल दो ना कि आंटी देख लो अच्छे से, मम्मा तो रोज देख रहे हैं. बाकी बढ़िया लगा. अच्छा, तो हाँ, हाउज योर स्टडीज अभी? क्या गुड, सो फार सो गुड. नाउ द प्लान इज टू गेट एन इंटर्नशिप. ओके, देखते हैं कैसे क्या होता है. तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? एमबीए? नहीं, मेरा बिजनेस एनालिटिक्स. बिजनेस एनालिटिक्स, ओके. 2 साल का कोर्स है. ओके, तो आई एम इन माय थर्ड सेमेस्टर. एंड किस यूनिवर्सिटी से? इट्स केप ब्रिटन. केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी, ओके. सिडनी में. बट राइट, बिकॉज ऑफ रिमोट. इट वाज रिमोट, आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी. ओके, माय कजिन वाज स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया. ओके, सो आई फ्लू डाउन हियर. बट ठीक है, फॉर थर्ड सेमेस्टर, आई थिंक फोर्थ सेमेस्टर, इट्स स्टिल इन एम्बिग्युटी इफ वी विल हैव दिस ऑफलाइन या ऑनलाइन. देसी यूसी हैं यहां पे कि नहीं है? देसी हैं, तो यूनिवर्सिटी में विल फाइंड. ओके, बट वैसे शेयर देसी मिल ही जाएंगे आपको. अच्छा, देसी हर जगह मिल जाते हैं. एंड द सेकंड पॉइंट इज राइट, देसी क्या होता है? अब पाकिस्तान बांग्लादेश सब यहां के देसी हो जाते हैं. हां, दैट्स एशियन कम्युनिटी इज देसी, राइट? लाइक, या. चलो बढ़िया लगा अक्षय से मिलके. थैंक यू. सेम जी. एंड एनी मैसेज फॉर योर मॉम? अरे नहीं, मम्मा टेक केयर. चिंता ना करो मेरी. चिंता मत करो, मैं नई मानी ढूंढूंगा यहां पे. नई मां. यार बड़ा मजाकिया लड़का है, इसके साथ एक पूरी मीटिंग लगेगी, पूरा व्लॉग लगेगा. बट एनीवेज, अभी इतना टाइम कंस्ट्रेंट है. टाइम कंस्ट्रेंट है, हमें भी आगे निकलना है, वी आर गेटिंग लेट. हां.
यार फाइनली स्टॉपेज लग गया, गाड़ी में तो पेट्रोल है पर अपना पेट्रोल खत्म हो गया है, सुबह से कुछ नहीं खाया, टिम्स ही टिम्स चल रहा है। और अब हम ये देख रहे हो मखनी आए हैं इंडियन रेस्टोरेंट, बस अंदर चल रहे हैं, बहुत तेज़ भूख लग रही है, फटाफट खाना खाते हैं। जो रेस्टोरेंट पहले आ गया रास्ते में तो बेडफोर्ड करके एरिया है, तो हम बेडफोर्ड एरिया के अंदर पहले ही आ गए। तो यहाँ पे खाना आ गया है फटाफट, दाल मखनी टूट पड़ो। सुबह से ऐसे लग रहा है पता नहीं जन्मों जन्मों बाद रोटी मिल रही है, सुबह से कॉफी और मफिन पे जी रहे थे। कढ़ाई पनीर है, जो मर्जी खा लो, जब तक दाल पनीर ना खाओ रोटी ना खाओ, वो पंजाबियों की कहावत भी है ना, दाढ़ गिली नहीं होती। अपने पास ये आ गया, क्या है ये, कुलचा है, आलू कुलचा, अमृतसर की याद आ गई। और नान अमृतसर वाला फ्लेवर नहीं मिल पाएगा आपको, अब दुनिया में कहीं भी चले। ओके जी, और ये तंदूरी रोटी, तंदूरी रोटी दो। श्योर 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 श्योर, फटाफट फटाफट। थैंक यू जी। हाँ जी, फिर अब हम एयरबीएनबी पहुंच चुके हैं और चेक इन कर लिया है। आप देख ही रहे हो सुबह के निकले हुए थके हारे, फाइनली 7 बजे जाके हमने चेक इन किया है, 1 घंटा लगभग हो गया है और सब लोग बस रिलैक्स कर रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। आप देख ही रहे हो मेरे पीछे लिविंग एरिया घर जैसी फील आ रही है, क्यों भाई? यहाँ पे फायरप्लेस भी है और इसका लुफ्त उठा रहे हैं पापा पास बैठ के, ऊपर बस गुरबानी लगा ली है, पीटीसी चैनल चल रहा है। वेरी नाइस स्वीट एलिगेंट हाउस, राइट? आई लाइक इट, प्रॉब्ली, आई डोंट नो। ओके, एंड जिसमायरा को सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अपना प्ले पेन मिल गया है। जिसमायरा इंजॉइंग इट, लविंग इट। सुबह से बेचारी पीछे कार सीट पे बैठ के थक गई थी, शी वॉन्टेड टू हैव हर मी टाइम, अब उसको जाके यू नो सोखापन मिला है, थोड़ा आराम मिला है। बाकी यार ये पीछे किचन है, बहुत ही स्वीट सी, बढ़िया सी, स्पेशियस। सबसे बढ़िया यार ये इंडियन वाला चूल्हा है, इंडिया वाला चूल्हा यहाँ पे इन्होंने दिया है। बट यार अब 2-3 दिन के लिए आए, कुकिंग थोड़ी करेंगे यार, अब भारी खाना खाएंगे। एंड इधर अगर मैं आऊँ थोड़ा सा साइड में, तो यहाँ पे इन्होंने एक छोटा सा यू नो एरिया बना रखा है, हाफ बाथ जिसे कहते हैं, हाफ बाथ, और वॉशर ड्रायर भी दिया हुआ है, आप अपने कपड़े भी धो सकते हो अलॉन्ग साइड विद डिटर्जेंट। ठीकली ऊपर चलते हैं, अगर आप यहाँ देखो ये स्टेयरकेस है और ये मेन एरिया है, काइंड ऑफ मेन लॉबी सी है, छोटी सी, यहाँ से हम एंटर होते हैं। मेरे साथ ऊपर फिलहाल स्टेयरकेस पे चढ़ो, जहाँ पे मैं आपको रूम्स दिखाता हूँ। सो देर आर 2 रूम्स, दोनों एडजॉइनिंग रूम्स हैं, और सबसे खास बात जो मैं रूम्स की बताऊँगा, दोनों रूम के साथ अटैच्ड बाथरूम है, यू नो, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट, यू नो। और एक रूम में किंग साइज बेड दिया हुआ है। दूसरे रूम की तरफ चलते हैं, एंड यहाँ पे इन्होंने 2 सिंगल बेड दिए हुए हैं। कभी कभी होता है 2 इंडिविजुअल डिफरेंट बैचलर्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, दे डजंट वांट टू शेयर द बेड, सो दैट्स अ वेरी नाइस कॉन्सेप्ट। साथ में ये एक अलमीरा। नीचे चलते हैं, मुझे ये एक अच्छी डील मिल गई थी, डामक में मिली थी, और ये $500 का पड़ा था मेरे को फॉर 3 नाइट्स, विच इज अगेन प्रीटी डीसेंट। ठीक है, आई होप यू लाइक आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ हैलिफैक्स सीरीज। तो बेसिकली वी वेंट टू हैलिफैक्स इन द मंथ ऑफ नवंबर लास्ट ईयर, बट क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे हैं तो वी डिडंट गेट मच टाइम टू एडिट द वीडियोस, तो अभी हम लोगों ने सोचा कि वीडियोस एडिट कर लेते हैं और आपको भी हैलिफैक्स घुमा लेते हैं और दिखाते हैं हमने क्या मस्ती की हैलिफैक्स में। अभी आने वाले व्लॉग्स में आप हमारे साथ हैलिफैक्स घूमने वाले हो, तो स्टे ट्यून्ड। अभी जैसे आप लोग प्यार बना के रख रहे हो वैसे ही प्यार बनाए रखें, एंड प्लीज़ प्लीज़ डू लाइक आर वीडियोज, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी वीडियोज देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं करें। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।